Hello guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers. The god of hockey, Major Dhyan Chand. 29th of August 1905 को इलाहाबाद में शारदा सिंह और रामेश्वर सिंह के घर में जन्मे ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक मेजर ध्यानचंद या फिर ध्यान सिंह। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने हॉकी को खेलना शुरू कर दिया था। उनके पिता रामेश्वर सिंह भी एक आर्मी में सैनिक थे और फिर ध्यान सिंह ने भी अपने पिता की तरह सिर्फ 16 साल की उम्र में ब्रिटिश भारतीय आर्मी में भर्ती हो गए। लेकिन वहां पर भी उन्होंने हॉकी को खेलना बंद नहीं किया था। उनके जन्मदिन पर पूरे भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान 3 बार ओलंपिक में हॉकी के लिए गोल्ड मेडल हासिल किए थे। उन्हें द विजार्ड ऑफ हॉकी यानी कि हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद हमारे देश के शान है। वह जब मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तब ऐसा लगता था जैसे कि वह जो गेंद है यानी कि जो बॉल है वह उनकी हॉकी स्टिक से चिपक गई हो। उन्हें अपने खेल के लिए पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी नॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट होने पर सिर्फ 16 साल की उम्र में 1922 में दिल्ली में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट सेना में वह एक सैनिक के रूप में शामिल हो गए और वहां उन्हें सूबेदार मेजर तिवारी मिले जिन्होंने ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए सबसे ज्यादा एंकरेज किया था। क्योंकि जब वह आर्मी में ज्वाइन हुए थे तब उन्हें हॉकी खेलना इतना भी ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन सूबेदार मेजर तिवारी के कहने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था और मेजर तिवारी भी खुद एक हॉकी के प्लेयर थे। मेजर तिवारी को खेलते देखते हुए ध्यानचंद ने भी धीरे धीरे हॉकी खेलना शुरू कर दिया और फिर वह इस खेल में इतने ज्यादा तल्लीन हो गए कि वह अपने ड्यूटी आवर्स के बाद भी रात की मूनलाइट में वह हॉकी के लिए प्रैक्टिस किया करते थे और उसी वजह से उनके सारे फ्रेंड्स उन्हें ध्यान सिंह से ध्यानचंद के नाम से बुलाने लगे। 1922 से लेकर 1926 तक उन्होंने सिर्फ आर्मी के कॉन्टेस्ट में वह खेला करते थे और फिर उन्होंने 13th मई 1926 में उन्होंने अपना पहला मैच को खेला जो था न्यूजीलैंड में। वहां पर उन्होंने 21 मैच खेली जिनमें से 3 मैच तो टेस्ट मैच थी। इन 21 मैच में से 18 मैच वह जीते और 2 मैच पेंडिंग रहे और बाकी की सिर्फ 1 गेम ही वह हारे थे। इन सभी 21 मैचों के दौरान उन्होंने अपने अकेले के सिर्फ 192 गोल बनाए। फिर 27th मई 1932 में उन्होंने श्रीलंका में 2 मैच खेले और उनमें से 1 मैच में 21-0 और दूसरे मैच में 10-0 से उन्होंने अपनी दोनों मैचों को जीत लिया। 1935 के इंडिया टीम के न्यूजीलैंड टूर में उनके टीम ने 49 मैच खेली जिनमें से 48 मैच वो लोग जीत गए और बाकी की 1 मैच को बारिश होने पर उसे पोस्टपोन कर दी गई थी। इन इंटरनेशनल मैच के दौरान सिर्फ ध्यानचंद ने 400 से भी कई ज्यादा गोल बनाए थे। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स गेम्स में पहली बार हमारी इंडिया टीम ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें इंडिया टीम ने अपनी सारी गेम जीत ली जो थी 17th मई 1928 में ऑस्ट्रिया को 6-0 से हरा दिया। 18th मई को बेल्जियम को 9-0 से हरा दिया। 20 मई को डेनमार्क को 5-0 से, 22nd ऑफ मई को स्विट्जरलैंड को 6-0 से और 26th ऑफ मई को फाइनल मैच में हॉलैंड को 3-0 से हरा दिया और उसी के साथ वह सब विश्व भर में हॉकी के चैंपियंस बन गए। और वह लास्ट मैच यानी कि वह जो फाइनल मैच थी उसमें ध्यानचंद ने 2 गोल किए थे और फिर 29th ऑफ मई को उन सभी को गोल्ड मेडल प्रोवाइड किए गए थे। और फिर कुछ साल के बाद वह फिर से लॉस एंजलिस में हुई ओलंपिक्स में उन्होंने ध्यानचंद को सेंटर फॉरवर्ड के रूप में ज्यादा फेमस किया गया था और इस टाइम के बीच में हमारी इंडिया टीम ने कई सारे मैच को जीता था और उन सभी मैच में ध्यानचंद ने 262 में से 101 गोल खुद ने किए थे। और फिर तीसरी ओलंपिक बर्लिन ओलंपिक्स में यानी कि 1936 को ध्यानचंद को इंडिया टीम के कैप्टन बना दिया गया। 14 अगस्त को हॉकी ओलंपिक्स का फाइनल्स था लेकिन उस दिन बारिश ज्यादा होने पर वह गेम को 1 दिन बाद रख दिया गया यानी कि 15 अगस्त को। जर्मनी ने इंडिया को जब प्रैक्टिस हो रही थी तब इंडिया को हरा दिया था और उसी वजह से इंडिया के सारे प्लेयर्स परेशान थे और बारिश की वजह से ग्राउंड अभी भी गीला था।
लेकिन फिर भी वो सभी प्लेयर्स एक सैनिक के रूप में मैदान में उतरे और उनके जो कोच थे उन्होंने हमारा तिरंगा दिखाकर कहा कि हमारे तिरंगे की लाज आप लोगों को ही रखनी होगी। और फिर उन्होंने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया और हमारे तिरंगे की लाज उन्होंने बचा ली। ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मेजर ध्यानचंद के बारे में। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।